नमस्कार बच्चों, पढ़ाई द्वार द्वार के अंतर्गत SCERT द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का अध्याय 13, प्रतिशतता। तो बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे जहाँ पे हम प्रतिशत का उपयोग करते हैं। जैसे परीक्षा में आपने देखा होगा, मान लेते हैं रीना ने 95% अंक प्राप्त किए, या हम कहते हैं किसी स्कूल में जैसे कक्षा 9वीं की छात्रा ने 85% छात्र उसमें उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार बाजारों में भी आप देखते हैं कि कपड़ों पर 10% का छूट है। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ हानि में प्रतिशत का उपयोग होता है। इस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे जगह पे देखते हैं जहाँ पे प्रतिशत का उपयोग होता है। और बच्चों, आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके आसपास आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी जगह आवश्यकता होगी जहाँ पे हम प्रतिशत का उपयोग करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि प्रतिशतता किसे कहते हैं, क्या होता है प्रतिशत। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों प्रतिशतता। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिधन शत, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत माने होता है सैकड़ा। तो जब हम किसी आंकड़ों की तुलना 100 में करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। और इसको हम इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाया जाता है, ये कहलाता है प्रतिशत का चिन्ह। तो क्या होता है प्रतिशत? जब आंकड़ों की तुलना हम 100 में करते हैं तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 100 में 20। और इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे? 20 प्रति को हम ऐसे लिखेंगे बटे करके, और यहाँ पे प्रतिशत की जगह में लिख देंगे 100। तो 20% को हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक भिन्न बन गया। इसी प्रकार मान लेते हैं 15% है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? 15/100। इसका क्या अर्थ होता है? यहाँ पे देखो, हमको ऐसा भिन्न प्राप्त हो रहा है जिसके हर में क्या है? 100 है। तो हम कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। तो यहां पे देखो बच्चों, इसको भिन्न क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पे आ गया अंश और हर। ऊपर वाला जो है वो क्या कहलाता है? अंश कहलाता है, और नीचे वाला हर कहलाता है। तो प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। अब आगे हम देखेंगे बच्चों कि प्रतिशत की आवश्यकता हमें क्यों होती है। यदि आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं बच्चों। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 में होता है, अर्थात जब कभी हम किसी आंकड़ों की तुलना 100 में करते हैं तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। आगे देखेंगे हमको प्रतिशत की आवश्यकता क्यों होती है। प्रतिशत की आवश्यकता क्यों? तो आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं पूमा को 10 में से 8 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहां हम लिखेंगे पूर्णांक और यहां पे प्राप्तांक। पूर्णांक किसको कहते हैं बच्चों? कोई बता सकता है? तो जितने
अंक का हमारा टेस्ट पेपर होता है या एग्जाम होता है, उसमें जितने पूर्ण अंक होते हैं उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो मान लो उमा को 10 में से कितने अंक मिलते हैं, 8 अंक मिलते हैं, और विजय को 20 में से 15 अंक प्राप्त होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं बच्चों, किसका प्राप्तांक अच्छा है, किसको अधिक मार्क्स मिले हैं? एक को मिला है 10 में 8 और एक को मिला है 20 में 15। तो यहाँ पे हमको प्रतिशत की आवश्यकता होगी। कैसे? तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले उमा के प्राप्तांक लिखिए, यहाँ पे हम प्रतिशत ज्ञात करके बता सकते हैं कि किसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उमा के प्राप्तांक कितने हैं, 8/10। पूर्णांक को नीचे लिखा जाता है और प्राप्तांक को ऊपर। इसी प्रकार विजय को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 20 में से 15, तो इसको हम लिखेंगे 15/20। अब क्या करेंगे बच्चों, यदि हमको बताना है कि दोनों में से किसके अंक अच्छे हैं, तो हम दोनों के हर को क्या कर लेंगे, समान कर लेंगे। तो यहाँ पे हर को समान करने के लिए देखो, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है। यदि हम यहाँ पे 2 का गुणा और भाग कर दें, 2 का गुणा और भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 8/10 का मान जो है वो परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए हर को समान करने के लिए यहाँ पे हर 20 है, तो यहाँ पे भी हमको हर को किस में बदलना है, 20 में, और इसलिए हम इसमें अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16/20। अब इसके प्राप्तांक विजय के कितने हो गए, 15/20। अब आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दोनों का हर समान हो गया, तो अंश को देखिए किसके अंक ज्यादा आ रहे हैं। तो उमा के प्राप्तांक है 16, 20 पे 16, और विजय के प्राप्तांक है 20 में से 15। तो इसके आधार पे आप क्या बता सकते हैं किसके अंक अच्छे हैं, कोई बच्चे जो जुड़े इसमें बता सकते हैं? चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे उमा के जो प्राप्तांक है वो 20 में से 16 है और विजय के प्राप्तांक 20 में से 15 है। इसका मतलब यह हुआ कि उमा के प्राप्तांक विजय के प्राप्तांक से अच्छे हैं। अब इसी को हम यदि प्रतिशत में निकालना चाहें, इसी की तुलना हम यदि 100 में करते हैं, आइए देखते हैं इसको। तो 100 में निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे उमा के प्राप्तांक है 15/20। तो अभी जैसे हमने बताया बच्चों, जब किसी आंकड़ों की तुलना 100 में की जाती है तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों के अंकों को प्रतिशत में ज्ञात करके बता सकते हैं कि किसके अंक अच्छे हैं। तो 8/10 है उमा के प्राप्तांक, यहाँ पे 100 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 100 लाने के लिए क्या करेंगे, 20 में किसका गुणा करेंगे, तो 100 आ जाएगा। यदि आपको पहाड़ याद है बच्चों, तो 20 × 25 100 होता है, तो यहाँ पे हम अंश और हर में 5 का गुणा कर देंगे। ये हो गया 10/8 80, 80/100, और ये कितना हो जाएगा, 15 × 75, 75/100। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, दोनों के आंकड़ों को 100 में ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किसके प्राप्तांक अधिक है, उमा के प्राप्तांक है 80 में से 100, 100 में से 80 सॉरी, और विजय के प्राप्तांक है 100 में से 75। इसका मतलब है उमा के प्राप्तांक यहाँ पर अच्छे हैं, और इसको हम कह सकते हैं 80
प्रतिशत, 100 के बदले में हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिशत, और ये हो जाएगा 75%। तो यहाँ पे हम प्रतिशत ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों हुई है, जब हम इस आंकड़ों को 100 में ज्ञात कर लिए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि किसके प्राप्तांक अच्छे हैं। इसी प्रकार बच्चों का एक उदाहरण आपने देखा होगा, किसी के प्राप्तांक यदि 75% है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 से ये कम है। 100 का मतलब क्या हुआ, 100% का मतलब, 100 में 100 का मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे अंक प्राप्त हुए। अब आप लोग सोचिए बच्चों, ऐसे कुछ उदाहरण है कि 100 से ज्यादा भी प्रतिशत हो सकता है क्या? तो चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। 100 से कम हो सकता है, 100 के बराबर हो सकता है, तो क्या 100 के ज्यादा भी कोई प्रतिशत हो सकता है? तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। सौ से ज्यादा प्रतिशत किस प्रकार होगा? तो मान लेते हैं बच्चों, श्यामा ने 1 दिन में, पहले दिन 2 कॉपियां खरीदी बाजार से, दूसरे दिन उसको फिर कॉपी की आवश्यकता हुई है ना, दूसरे दिन उसने बाजार से 5 कॉपियां खरीदी, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई इसी खरीदी में? तो श्यामा की खरीदी में 3 हुई। संख्या में तो हम देख रहे हैं बच्चों, संख्या में कितना हो रहा अधिक, 5 में से 2 घटा दिए है ना, 3 कॉपियों की संख्या बढ़ गई। तो पहले हम कॉपी में बढ़ोतरी निकालेंगे, दूसरे दिन कॉपी में बढ़ोतरी कितनी हो गई, 5 में से 2 घटा दिए, 3 कॉपी की संख्या बढ़ गई, 5 में से 2 घटा दिए, कितनी बढ़ गई, 3 कॉपी। अब इसी को यदि हम प्रतिशत में ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा, जबकि दो कॉपी की खरीदी में 3 कॉपी की बढ़ोतरी हो गई, दूसरे दिन 3 कॉपी की संख्या बढ़ गई। तो एक का निकालेंगे, तीन बटा दो, इसलिए 100 में निकालेंगे, प्रतिशत ज्ञात करना है कभी भी तो हम क्या करेंगे, उसको 100 में ज्ञात करेंगे। सौ में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो 3/2 × 100, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 0 = 0, तो यहाँ पर हो गया 150%। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 100 से ज्यादा प्रतिशत आ गया, डबल हो गया है ना, 2 कॉपी तो हम ले ही रहे हैं, उसके अलावा हमारी 1 कॉपी और बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, 50% और बढ़ गया। तो ये कुछ उदाहरण है जो हमारे दैनिक जीवन में, ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जो 100 से ज्यादा वहां पे हमको प्रतिशत ज्ञात होगा। तो बच्चों आपको ऐसे और 2-4 उदाहरण सोचना है कि कहाँ पर हमको लगता है कि 100 से ज्यादा प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है,
यह 100 से ज्यादा प्रतिशत हमको प्राप्त हो रहा है। आगे देखेंगे बच्चों, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना है और समझना है। इसी प्रकार आप लोग बाजारों में देखते हैं, छूट लिखा रहता है ना। कई बार आप बाजार जाते हैं, वहाँ पे कपड़ों की दुकान में लिखा रहता है कि इसमें 10% छूट है, कपड़े में 20% छूट है। तो चलिए हम एक उदाहरण देखते हैं छूट का। तो आपकी बेटा प्रश्न वाली में देखिए, प्रश्न वाली 13 का सवाल नंबर है छठवा, तो ये छूट क्या होता है इसको जानेंगे। छठवां प्रश्न देखिए, राम को 10 रुपए की गणित की पुस्तक में दस प्रतिशत छूट मिलती है। तो वह पुस्तक उसे कितने में मिलेगी? सवाल एक बार भी देखो बच्चों, राम को 10 रुपए की गणित की पुस्तक में 10% छूट मिलती है, तो वह पुस्तक उसे कितने में मिलेगी? अब यहाँ पे 10% छूट का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में उसको 10 रुपए कम करके देना है। 100 रुपए में यदि 10 रुपए वो कम कर रहा है, तो 10 रुपए में कितना कम हो जाएगा उसको हम निकाल लेंगे। चूंकि 100 रुपए में कितना छूट मिल रहा है उसको, 10 रुपए की छूट, तो एक में कितना हो जाएगा, 10/100। और इसलिए हमको कितने रुपए निकालना है, 10 रुपए में। तो 10/100, यहाँ पे 1 से ज्यादा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा, ये शून्य कट गया और ये हमारा उत्तर आ गया 1 रुपए। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, 100 रुपए में 10 रुपए की छूट मिल रही है और वो पुस्तक कितने की है, 10 रुपए की है। तो यदि हम 100 में 10 छूट मिल रहा है, तो 10 रुपए में कितना कीमत हो गया, 1 रुपया उसको छूट मिल रहा है। 1 रुपये छूट का मतलब क्या हो गया, तो 10 रुपये की जो पुस्तक है उसमें 1 रुपये हम क्या कर देंगे, घटा करके देंगे, तो पुस्तक की कीमत क्या हो जाएगी, राम को वह पुस्तक कितने में मिलेगी, 10 ऋण 1 = 9 रुपये में मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी जब भी खरीदारी करने जाते हो और इस प्रकार का कहीं पे आपको दिखता है कि छूट मिल रहा है, तो आप इसको गणना करके निकाल सकते हैं कि हमको दुकानदार को कितने रुपए देनी है, और उसके लिए आपको ये प्रतिशत जानना बेहद जरूरी है। और आगे हम देखेंगे बच्चों प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। प्रतिशत
प्रतिशत को भिन्न में और दशमलव में बदलना। चलिए देखते हैं, आपके बुक में दिया है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। चलिए तो मान लेते हैं, पहला सवाल है 50%, इसको क्या पढ़ेंगे, 50%। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 50/100। 100 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा और भाग कर देंगे। सॉरी, प्रतिशत के बदले में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बटे में 100 कर देंगे। तो ये हमारा हो गया भिन्न में परिवर्तित हो गया। इसको और आगे आप सरल करेंगे तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 दुनी 10। तो ये भिन्न रूप आ गया, 50% का भिन्न रूप क्या हो गया, 1/2। और दशमलव में लिखना चाहे तो इसको आगे भाग देके निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 0.50। ये हो गया इसका दशमलव रूप। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, 10% को यदि हमको भिन्न में बदलना है तो ये हो जाएगा 10/, प्रतिशत के बदले में आप क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। इसको और आगे सरल करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, 1/10। या दशमलव रूप में इसको 10 से 1 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.10। ये हो गया इसका दशमलव रूप। इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके बुक पे दिया है बच्चों, उसको आपको बना करके देखना है और अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम उसको 100 का भाग कर देते हैं, और आगे इसको दशमलव में बदलने के लिए यहाँ पे हमने 2 से 1 को भाग दिया तो कितना आ गया, 0.50। ये इसका हो गया दशमलव रूप। आगे हम देखेंगे इसका उल्टा, यदि हमको भिन्न दिया है तो भिन्न को प्रतिशत में हम किस प्रकार से बदलेंगे, तो इसका उल्टा कर देंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें अंश और हर होता है उसको कहते हैं हम भिन्न। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 3/2, ये भिन्न है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 100 का गुणा और भाग कर देंगे। प्रतिशत का मतलब है जहां पर हमको क्या करना है, हर में 100 लाना है तभी वो प्रतिशत में बदलेगा, और इसलिए हम 100 का गुणा और भाग किए हैं, क्योंकि ये दोनों जब कट जाएगा तो इसके मान में कोई अंतर आएगा क्या, 3/2 का 3/2 ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे हम 100 का गुणा और भाग कर सकते हैं। अब इसको प्रतिशत में लिखना है बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे, 1/100 को अलग कर लिए, ये हो गया 300/2, और 1/100 यहाँ पे देखो, इसको हमने इससे अलग कर लिया तो 1/100 को ही क्या लिखते हैं, प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, फिर से देखेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, 3/2 को यदि प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा और भाग करेंगे, इसमें से हमने 1/100 को अलग कर लिया और इसमें 100 में 3 का गुणा किए, कितना हो गया, 300/2, और 1/100 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, प्रतिशत। अब आगे इसको और सरल करेंगे तो ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर आगे 2 पंचे 10 और 2 शून्य में 0, तो ये हमारा आ गया 150%। ठीक है बच्चों,
एक और उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे कि 5/2, इसको हमको बदलना है प्रतिशत में, तो यहां पर भी क्या करेंगे हम, 100 का गुना और 100 का भाग कर दिए, यहाँ पर भी हमने क्या किया, 1/100 को अलग कर लिया। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, 100 × 5/500 / 2, और यहाँ पे 1/100 के जगह हम क्या लिखेंगे, प्रतिशत। इसको और आगे सरल किए तो कितना हो जाएगा, ये कितने बार कटेगा, 2 × 2 = 4, फिर 1 बचे यहाँ पे, 2 × 5 = 10 और 2 × 0 = 0, कितना आ गया, 250%। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसके और एक दो सवाल आपके बुक में लिखा है यस मैम। उसको। ठीक है बच्चों, इसको और अभ्यास करेंगे आप लोग, है ना, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अभी तक हमने क्या जाना, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 100 में से, है ना। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है, आपकी जो कपड़े की कीमत है वो 1,000 रुपये है, कपड़े की कीमत है 1,000 और उसमें आपको छूट मिलता है 20%, तो वास्तव में आपको कितना छूट मिल रहा है 1,000 में वो निकालेंगे, तो 1,000 का 20% कैसे निकालेंगे, मान लो उस कपड़े की कीमत कितनी है, 1,000 रुपये है और उसमें आपको छूट मिल रहा है 20%, यानी कि 100 में जब 20 रुपये का छूट मिल रहा है तो 1,000 में कितना छूट मिल जाएगा वो निकालेंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे, 1,000 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणा, और 20% को हम क्या लिख देंगे, 20/100, प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा और उसके बदले में क्या आ जाएगा यहाँ पे, हर में 100 आ जाएगा। ये हो गया कट गया, ये शून्य कट गया, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 100 × 2, यानी कि कितना हो गया, 200 रुपए की छूट मिल गई। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो 1,000 रुपए की जो कपड़े की कीमत थी, है ना, उसमें 20% का आपको छूट मिल गया, यानी कि कितना रुपए हमको कम पड़ गया, 200 रुपए, अर्थात हम उस कपड़े की कीमत जो कितना देंगे, 100 में से 200 आप घटा करके देंगे 800 रुपए। इसी प्रकार आप गणना करके आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 360 रुपए का 60% कितना होगा, मान लो 360 रुपए की कोई वस्तु की कीमत है ना, उसमें आपको 60% छूट मिल रहा है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, 100 में 60, है ना, 360 कोई इकाई है, 100 में 60 आपको छूट मिल रहा है, तो 360 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 × का के जगह में आप क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे, और 60% मैंने हो गया 60/100, ये कट जाएगा, शून्य कर दिया, 36 में 6 को गुणा करो तो 6 ही 6, 36 का 6, हासिल 3, 6 3 18, 18 में हासिल को जोड़ दो, 19, 20 और 21, यानी कितना हो गया, 216। तो 360 का 60% कितना हो गया, 216। इसी प्रकार बच्चों बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले लेकर क्या करेंगे, बना करके देखेंगे। अब आओ बच्चों, इन्हीं प्रतिशत को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि उसको प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है।
इसमें चार में से यदि हमने एक भाग को क्या किया है, छायांकित किया है, तो भिन्न, इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा बच्चों, कोई भी बता सकता है क्या इसकी एक वैल्यू? बटे चार हाँ वेरी गुड, ये हो जाएगा 1/4। अब इसी को यदि हम प्रतिशत में बदलना चाहें तो क्या करेंगे, हम 100 का इसमें गुना। गुणा और भाग कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 1/100 को अलग कर लिए, ये हो जाएगा 100 एकम 100, 100/4। यहाँ पे 1/100 आपको अलग करना है ना, उसी को प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 चार 5 20, 25%। इसको बच्चों आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका भिन्न अनुप हो गया 1/4, और परसेंट में प्रतिशत के रूप में क्या आ गया, 25%। इसी को यदि हम दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 100 में 4 को भाग दो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.25। ये हो गया इसका प्रतिशत रूप, सॉरी दशमलव रूप हो गया 0.25। चार में से दिए एक को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0.25। चलिए अब एक और उदाहरण, यहाँ पे हमने देखो चार में से कितने भाग को छायांकित किया है, दो भाग को, तो इसका भिन्न रूप क्या आ जाएगा, 2/4 2/4। वेरी गुड, इसको और आगे सरल किए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4 का आधा हो गया। 4 का ये क्या हो गया, आधा हिस्सा में छायांकित कर लिया, 1/2 माने होता है आधा। अब इसी का प्रतिशत रूप क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का गुणा, और इसको अलग से लिख लेंगे बच्चों। चलो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 1/2 को यदि हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा और भाग किए, तो ये हो जाएगा 100/2, और यहाँ पे 1/100 को क्या लिख लेंगे, प्रतिशत के रूप में लिख लेंगे। तो ये हमारा आ गया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सुना में 0, 50%। 1/2 माने क्या हुआ, 50%। 100 का आधा कितना होता है, 50, तो आधा भाग हमने छायांकित किया, मतलब 50% हो गया, 50% हमने क्या किया इसमें, छायांकित किया है। अब इसका बच्चों कोई बता सकता है दशमलव रूप क्या होगा, 1/2 का यदि हम दशमलव रूप निकाले तो क्या आ जाएगा, 2 से 1 को भाग दीजिए, दो बटे चार आया। यदि हमको इसको दशमलव रूप निकालना है तो क्या करेंगे, 4 से 2 को भाग दिए, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे आ गया दशमलव, ये हो गया 0, 4 5 20, यानी इसका दशमलव रूप क्या आ गया, 0.50। इस प्रकार आपको दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए एक और देते हैं इसका उदाहरण, आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 में से 3 भाग को छायांकित कर दिया, तो इसका भिन्न रूप क्या आ जाएगा, 3/4 तीन मैम। बटे चार अब क्या करना है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो 3/4 यहाँ पे 100 का गुणा और भाग कर दिए, हो गया 100 300, 300/4, और ये 1/100 को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं।
तो ये काटो कितना हो जाएगा, 4 7 28, आपको बचेगा 2 4 5 20, यानी कि कितना हो गया, 75%। 3/4 का मतलब कौन हिस्सा होता है ना, और कौन हिस्सा का मतलब क्या हुआ, 75% भाग हमने इसमें छायांकित कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, चार में से पूरे चारों भाग को छायांकित कर दिया, तो अब कितना हो गया, 4/4 यानी कि पूरा हो गया है ना, तो 4 का 4, इसका मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब क्या हुआ, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 1 को 100 से गुणा और भाग किए, ये हो गया 1/100 को हमने लिख लिया प्रतिशत के रूप में, और ये 100 का 100, अब देखो ये कितना हो गया, 100%। 100% का मतलब क्या हो बच्चों, पूरा भाग हमने इसमें क्या कर दिया है, छायांकित कर दिया है। इसी प्रकार आप लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ चीजें बांटते हैं ना, आपस में बच्चे लोग बांटते हैं, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 50% आपने दे दिया किसी को, है ना, मान लो एक रोटी आप बांट रहे हो किसी को, उसमें 3 हिस्सा किसी को दे दिए, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, 75% भाग आपने किसी को दे दिया, और पूरा का पूरा रोटी किसी को दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 100% भाग आपने किसी को दूसरे को बांट दिया। इस प्रकार आप लोग जो भी बांटते हैं बच्चों, उसको हम प्रतिशत में ज्ञात कर सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा ये, ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रतिशत समझ में आ गया होगा, और अब आप लोग इसकी जो सवाल दिए हैं आपकी बुक में, उसको बनाने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। इतना